हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो कुर्ता प्लाजो सेट हॉल। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले शॉपिंग की थी कुर्ता प्लाजो सेट्स की, तो इसी वजह से मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही कुर्ता प्लाजो सेट्स। और कुछ उसमें से मैंने व्लॉग में पहन भी लिए हैं, तो एक्चुअली आपने देख भी लिए हैं। और काफ़ी लोग मुझे लिंक मांग रहे थे कुर्ता प्लाजो सेट्स की, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ ये कुर्ता प्लाजो सेट हॉल मैं शेयर ही कर देती हूँ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए और आप भी देख लो कि मैंने ये कहाँ से परचेस किया है, कैसे है और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ। तो ये है एक पहला कुर्ता प्लाजो सेट। तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया था, मैंने एक ब्लॉग में ये पहना था तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो इसका जो कुर्ता है वो है वाइट कलर में, और ये कुर्ता जो है वो कॉटन का है। एक्चुअली इसमें ना इस तरह के काम किया है, मतलब क्लॉथ के बटन्स है यहाँ पर ऐसे दी हुई, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है इससे। पार्टी वेयर कुर्ता है ये, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे जो साइज़ लगता है वो लगता है यम, तो यम साइज़ में मैंने ये मंगाया है। और इस पर ये मरून कलर के डॉट डॉट्स दिए हैं, और इसके अंदर भी एक डिज़ाइन है कुछ इस तरह की, मतलब आपको पता नहीं कैमरे में दिख रही है नहीं, तो इस तरह की डिज़ाइन है अंदर कपड़े में भी। तो ये बहुत ही अच्छा, कपड़ा भी बहुत अच्छा लगा मुझे, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कपड़े की। और ये जो प्लाजो है वो कुछ इस तरह से है, प्लाजो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये पैंट स्टाइल में है, मतलब एकदम फ्लेयर वाला प्लाजो नहीं आएगा, ये पैंट स्टाइल में है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी स्टाइलिश लुक आता है इसको पहनने के बाद। और इस पर ना इस तरह के फॉइल प्रिंट दी है, गोल्डन फॉइल प्रिंट, तो इसी वजह से इसको पार्टी में भी आप पहन सकते हो, ये पार्टी वेयर लुक देता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये भी। और कपड़ा क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कॉटन मटेरियल है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसकी एक चुन्नी भी आई है इसके साथ, तो इसकी चुन्नी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी लंबी चुन्नी है, मतलब मुझे लंबी चुन्नियाँ होती है तो अच्छी लगती है, क्योंकि हाइट मेरी ज़्यादा है, तो इसी वजह से छोटी अगर चुन्नी होती है तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, और मैं पहन भी नहीं पाती हूँ वो वाला ड्रेस, तो इसी वजह से मैं लंबी चुन्नियों का ही मतलब ड्रेस पहन सकती हूँ। तो ये देखिए आप, बहुत बड़ी चुन्नी है, और इसके मतलब यहाँ पर ना इस तरह की गोटा पट्टी लगाई है, तो आप देख सकते हो। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि चुन्नी की क्वालिटी ख़राब दी होगी, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है चुन्नी की, और कपड़ा बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, तो ऐसा मतलब वो नहीं है कपड़ा एकदम जॉर्जेट या शिफॉन वाला कपड़ा नहीं है, एकदम अच्छा कपड़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये भी कपड़ा। तो ये है मेरा फर्स्ट कुर्ता प्लाजो सेट। सेकेंड कुर्ता प्लाजो सेट भी मैंने एक्चुअली पहना हुआ है व्लॉग में ही, तो काफ़ी लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से है। एक्चुअली इसे उल्टा करके रखा था मैंने, तो ये है वो कुर्ता प्लाजो सेट। इसका जो कुर्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ये देखिए आप, इस पर भी प्रिंट है, मतलब ये जो गोल्डन डॉट्स है वो दिए हैं पूरे कुर्ते में, और इसमें भी मेरा साइज़ है एम, आप देख सकते हो, इसमें भी मेरा साइज़ है यम। इसकी जो स्लीव्स है वो यहाँ तक आती है, और ये वाले जो फर्स्ट कुर्ते की स्लीव्स है वो थ्री फोर स्लीव्स है, और ये यहाँ तक आती है, और यहाँ पर आपको ये पाइपिंग भी मिल जाएगी गोल्डन कलर की, इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखता है कुर्ता पहनने के बाद। और इसका जो मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस, मतलब ट्रस्ट में इतना अच्छा मटेरियल आएगा मुझे भी यकीन नहीं हुआ। अगर आप देखोगे इसका मटेरियल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इस पर यहाँ पर इस तरह से लटकन दिए हुए हैं साइड में, दोनों भी साइड में कट के साइड में यहाँ पे, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं पहनने के बाद, अगर आप चलते हो तो उस टाइम वो हिलते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये कुर्ता है, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे ये भी कुर्ता। और इसका जो प्लाजो है वो भी काफ़ी फ्लेयर वाला प्लाजो है, आप देख सकते हो काफ़ी लंबा प्लाजो है और फ्लेयर वाला है। इसके नीचे भी इन्होंने ये पाइपिंग दी है प्लाजो के नीचे भी, और इसकी फिनिशिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब इस पे जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका जो काम किया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जो प्लाजो है यहाँ पर साइड में भी लटकन दिया होता है, तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है ये वाला प्लाजो कुर्ता पहनने के बाद। और इस तरह से इस पर गोल्डन प्रिंट दी हुई है, तो ये है मेरा सेकंड कुर्ता प्लाजो। और इसका जो चुन्नी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी चुन्नी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फर्स्ट वाले की तरह ही है, बहुत लंबी चुन्नी है इसकी भी, और इस तरह से है इसकी चुन्नी, इस पर भी पूरा गोल्डन फॉइल प्रिंट दिया है, और इसकी चुन्नी का कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये जो कपड़े हैं, मतलब ये रेयन का मटेरियल है, रेयन मटेरियल है ये वाला जो मटेरियल है, और चुन्नी का भी मटेरियल रेयन का ही है। कुर्ता प्लाजो सेट है मेरा ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद।
और ये देखिए ये है इस तरह से, ये ना अनारकली पैटर्न में है तो इस तरह से है, और इस पे भी गोल्डन फॉइल प्रिंट ही है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो कुर्ता है ऑफ वाइट कलर में है और इस तरह से अनारकली पैटर्न है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इसमें भी पैंट दिया है, एक्चुअली प्लेन पैंट दिया है ऑफ वाइट कलर का ही, तो पहनने के बाद बहुत ही रिच लुक आता है इसका। और अगर आप मतलब ऐसे पहनना चाहते हो तो ऐसे भी पहन सकते हो, अगर आपके पास इसमें से कोई भी कुर्ता है तो इसमें से कोई भी आप कुर्ते की चुन्नी जो है वो रेड वाली आप इस पर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं आपको लगा के भी दिखा दूँगी रेड वाली चुन्नी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसका जो मटेरियल है वो भी प्योर कॉटन मटेरियल है, तो मुझे इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी जो प्रिंट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो ओवरऑल ये कुर्ता मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और ये है मेरा फोर्थ कुर्ता प्लाजो सेट, तो ये भी कॉटन मटेरियल में ही है और जो भी मैंने लिए है तो वो समर के अकॉर्डिंग लिए है। अभी समर स्टार्ट होने ही वाला है तो समर के अकॉर्डिंग मैंने ये कुर्ता प्लाजो सेट लिए है। तो इसका जो कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया, इसके कलर ने बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है ये, और समरी कलर है मेनली, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कॉटन है, ये भी प्योर कॉटन है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब एकदम थिन जो कॉटन आता है वो नहीं है, इसमें भी मेरी साइज़ है M। और इसकी जो स्लीव्स है वो भी थ्री पोर स्लीव्स है, ये भी अम्ब्रेला पैटर्न में है कुर्ता, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका जो नेक है आप देख सकते हो इस तरह से है, राउंड में निभी नेक किया हुआ है, तो इस तरह से ये कुर्ता है। और वाइट एंड स्काई ब्लू कलर में ओवरऑल प्रिंट दी है इसकी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद। इस पर भी एक चुन्नी है, तो उस पर चुन्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी है, मतलब कॉटन की, प्योर कॉटन की चुन्नी है, आप देख सकते हो चुन्नी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी है इन्होंने। और इस पर भी पूरी चुन्नी पर प्रिंट किया हुआ है वही स्काई ब्लू एंड वाइट कलर में, और इसकी जो चुन्नी के नीचे है वो भी इस तरह से पॉम पॉम दिए है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसकी वजह से ये वाला चुन्नी का लुक, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इसके कुर्ते के नीचे भी इस तरह से ही ये बॉल्स यानी कि ये पॉम पॉम दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है इससे। और इसका जो प्लाजो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मतलब घेर वाला है, तो इस तरह से है, पैंट स्टाइल में नहीं है, घेरा वाला प्लाजो है इसका भी। और इस पर भी ओवरऑल प्रिंट उसी की तरह किया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया इसके, मतलब जो भी कुर्ते मैं आपको दिखा रही हूँ अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे तो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये है मेरा फोर्थ कुर्ता। फिफ्थ कुर्ता है ये कुर्ता प्लाजो सेट, एक्चुअली ये भी इसका जो मटेरियल है प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये कुर्ता भी पार्टी वेयर कुर्ता है। इस पर अगर आप गोल्डन, अगर आपके पास कोई चुन्नी हो अगर आप ले लेते हो तो पूरा पार्टी वेयर लुक आएगा इससे। और इसकी जो स्लीव्स है वो इस तरह से है, थ्री पोर स्लीव्स है, और इस पर भी ये गोटा पट्टी लगाई है छोटी छोटी एकदम बारीक सी, यहाँ पर भी ये थ्रेड वर्क है पूरा किया हुआ गोल्डन थ्रेड वर्क, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये प्रिंट नहीं है, फॉइल प्रिंट नहीं है, ये गोल्डन थ्रेड वर्क है, और यहाँ पर गोल्डन बटन्स लगाई है सामने, और इसका जो नेक है वो है राउंड नेक और पीछे से पैक है ये, और इस तरह से है ओवरऑल कुर्ता। और यहाँ पर भी ये गोटा पट्टी लगाई है बारीक सी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है इसको भी पहनने के बाद। और इसका जो प्लाजो है वो भी कुछ इस तरह से है, प्लेन प्लाजो है और पैंट स्टाइल में है ये, तो इस तरह से मतलब ज़्यादा इसका घेरा नहीं है, तो इस तरह से है। और इसके नीचे भी, प्लाजो के नीचे भी इन्होंने इस तरह से ये थ्रेड वर्क किया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गोल्डन थ्रेड वर्क है, इसकी वजह से ये भी कुर्ता पार्टी वेयर लुक देगा आपको, मतलब सारे अगर आप कुर्ते पहनते हो पार्टी में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगोगे, बहुत सुंदर है सारे कुर्ते, और क्वालिटी वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा है और कम प्राइस में है सबसे मेन बात, तो बहुत ही कम प्राइस में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीशो से परचेस कैसे करना है, अगर आपके पास मीशो ऐप डाउनलोड नहीं किया है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से मीशो ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आगे क्लिप देख लीजिए कि मीशो से परचेस कैसे करना है और आप वहां पर बिजनेस कैसे कर सकते हो, तो वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देती हूँ जिससे आप घर बैठे कमा सकते हो और जिसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और वो है मीशो ऐप।
उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल हो जाने के बाद आप वहाँ पर उस पर आपका नंबर डाल के साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह से एक ऐप ओपन हो जाएगा और उसमें आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेंगे गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको घर के रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। आप देख सकते हो सूट, बेडशीट, सारी चीज़ें। यहाँ पर मुझे एक सूट पसंद आ गया था तो इसे मैंने ओपन किया और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। मुझे येलो कलर पसंद आ गया था, उसमें मैंने क्लिक किया, उस पर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया अपने हस्बैंड के अकाउंट पे। तो ऐसे आप अपने फ्रेंड के आप ग्रुप पे ऐसे शेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन शेयर करना है। डिस्क्रिप्शन शेयर हो जाने के अगर उसे ये पसंद आता है तो वो उसमें आपको कलर ऑप्शन मांगे थे, आपको कलर ऑप्शन भी उसे सेंड करना है। और अगर उसे वही कलर पसंद आता है तो आपको उसकी डिटेल जाननी है, मतलब आपको उसका साइज़ और उसका एड्रेस मांगना है उससे। बस आपको साइज़ ऐड करनी है और ऐड टू कार्ट कर देना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उसके कार्ड का ऑप्शन को क्लिक करना है। और उसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, ऑनलाइन और कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी मैंने कर दिया है। और कैश ऑन डिलीवरी करने के बाद आपको यहाँ पर उसका प्राइस दिखेगा 506 रुपीज़। 506 रुपीज़ आपको उसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना है। मतलब मैंने यहाँ पर मेरा 200 मार्जिन ऐड कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 706 रुपीज़। यहाँ पर मेरा 200 जो मार्जिन है वो नीचे आ गया है। अब आपको एड्रेस डिटेल डालना है। आप इस पर आपका एड्रेस भी डाल सकते हो, आपके एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो और आपके फ्रेंड के एड्रेस पर भी ये मंगा सकते हो। बस एड्रेस डिटेल डालने के बाद ये बाय करना है आपको, और इस तरह से आपका प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आपको अकाउंट में जाना है और राइट हैंड साइड में आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट में जाना है और उसमें आपके बैंक डिटेल डाल देनी है, अकाउंट नंबर एंड डिटेल, सारा बैंक का डिटेल आपको डाल देना है। इससे जो है आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और आपका मार्जिन आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए 15 दिन लगेंगे। उसके बाद नीचे ये माय पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, माय पेमेंट पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट भी देख सकते हो। कि बैंक अकाउंट में मार्जिन आने के लिए 15 दिन इसीलिए लगते हैं क्योंकि इनकी 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है। आपका अगर कोई फ्रेंड 7 डेज में रिटर्न करता है, कोई प्रोडक्ट उसको नहीं पसंद आता है और वो रिटर्न करता है, तो इसी वजह से आपको 15 दिन लगते हैं आपका मार्जिन आने के लिए। तो आप 7 डेज में ये प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद आते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट हैं, और इनके प्रोडक्ट सारे क्वालिटी के होते हैं, बिल्कुल चीप नहीं मिलते हैं आपको कोई भी प्रोडक्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। एक ही जगह पर आपको घर के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपके लिए मिल जाएंगे, आपके बच्चों के लिए मिल जाएंगे, किचन के लिए मिल जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और आप घर बैठे इसे कमा सकते हो, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है। So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed down no one to three for champions. I can't believe. I hope आपको ये सारे कुर्ता प्लाजो सेट पसंद आए होंगे और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट की रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।